नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं मेरे साथ NBC 24। जातीय जनगणना पर RJD का दो तरफा हमला, अब सांसद में भी उठेगा मामला। राष्ट्रीय जनता दल ने जातीय जनगणना के सवाल को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा हुआ है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर मांग खारिज किए जाने के बाद से तुरंत एक्शन में नजर आए हैं। जी हाँ, तत्काल नीतीश कुमार से इस मामले पर जवाब मांगा और आज वह मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर किए हैं। एक तरफ बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना को लेकर आज सियासत देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ से सांसद की शीतकालीन सत्र में भी RJD की तरफ से इसे लेकर सवाल उठाया जाएगा। आपको बता दें कि RJD के राज्यसभा सांसद मनोज ओझा ने आज राज्यसभा में जातीय जनगणना के मामले पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। मनोज झा ने राज्यपाल में कार्य स्थगन की सूचना देते हुए कहा है कि सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना तभी पूरी की जा सकती है जब देश में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना के बगैर हम सामाजिक स्थिति को नहीं समझ सकते, इसीलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है। मनोज कुमार झा ने मांग की है कि राज्यसभा में इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इस बात की संभावना नहीं दिखती कि राज्यसभा में RJD की तरफ से दिया गया है। जी हां, यह कार्य स्थगित प्रस्ताव स्वीकार होगा और जातीय जनगणना पर कोई बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मनोज झा के इस कार्य स्थगित प्रस्ताव से सांसद तक ये मामला जरूर गूंजेगा। तो वहीं केंद्र सरकार और BJP की नजर पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी रहेगी। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना पर कराए जाने के सवाल पर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने बुधवार को इस बात का संकेत देते हुए नीतीश कुमार से जातीय जनगणना के मामले पर बातचीत करेंगे। आज विधानसभा में नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार से मुलाकात कर तेजस्वी पूछेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना का क्या हुआ। 2 महीना पहले नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना था, लेकिन आज JDU जातीय जनगणना की चर्चा तक नहीं कर रहा। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। ऐसे में तेजस्वी अब नीतीश कुमार की सियासी नब्ज को पकड़कर इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक शुरुआत तक का बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम याद दिला दें। जातीय जनगणना नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। नीतीश ने पहले मीडिया में बयान दिया था, फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और आखिर में सर्वदलीय प्रतिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलके भी आए थे। उस दौरान उनके सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, JDU के सारे सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिलाए। JDU की राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई तो पार्टी के सीनियर नेताओं ने जाति जनगणना नहीं होने पर पूरे देश में सड़क पर उतरने तक का ऐलान किया था। लेकिन सितंबर में बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, फिर नीतीश कुमार इस मसले को ऐसे भूले जैसे ये कोई मुद्दा ही नहीं था। हालांकि मीडिया ने जब पूछा था तो नीतीश ने कहा था कि वो उपचुनाव के बाद फिर इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन उपचुनाव के बीते 1 महीने हो गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी फिर से नीतीश कुमार ने कहा था कि वो जल्द ही जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय राय शुमारी करेंगे और फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने या उनकी सरकार ने कोई पहल नहीं की। इसी तरह के तमाम छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 पर।